हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वापस से मेरे चैनल पे। और आज आपके लिए वापस से कमाल के जूते लाए हूँ। एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे छः जूते हैं आपको बताने के लिए आज। उसकी प्राइसिंग कैसी क्वालिटी है, ड्यूरेबल है कि नहीं है, तो इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। और साल की पहली वीडियो है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जूता है ये, स्नीकर टाइप है और सोल पाइलोन का है। इसका सोल भी बहुत तगड़ा है, सिंगल सोल का जूता है ये, मजबूत जूता आएगा। डिज़ाइन विज़ाइन भी बहुत ही इसकी तगड़ी है और बढ़िया है, लुक वाइज भी अच्छा है। अगर आपको थोड़ा मोटे सोल का स्नीकर चाहिए तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। अंदर से कम्फर्टेबल भी है और कंपनी भी अच्छी है, मैग्नेट का है ये, इम्पोर्टेड है, बाहर की आइटम है तो इसके लिए इसको इम्पोर्टेड बोलते हैं। मैंने आगे भी आपको पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें ही बोला था कि ऐसे जूते को फैशन लिखा हुआ है ये। ये मैग्नेट का, रनर का, ये तीन चार कंपनी ऐसी है जो कि बहुत प्रीमियम आती है, अच्छी आती है और चीज़ भी लॉन्ग लास्टिंग रहती है, चलती भी अच्छी है। तो आज का पहला जूता ये है, मिनिमल है, लुक है इसका, लेस टाई करने वाला है। तो आज का दूसरा जूता है ये, डबल सोल का जूता है, ये भी टाई करने वाला है, बांधने ही वाला है। इसमें पाइलॉन है और ईवा दोनों हैं, दो सोल है इसमें और ये फ्लेक्सिबल भी बहुत है, अंदर से कंफर्टेबल भी अच्छा है और इसका लुक और डिज़ाइन कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया लगा। ब्लू, नेवी ब्लू टाइप है और डार्क ब्लू है और थोड़ा सा ऑरेंज का भी ऊपर टच दिया हुआ है और ग्रेइश की बॉर्डर दी है। बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन बनाया है और बहुत ही प्यारा जूता लगता है ये। अगर आपको थोड़ा डबल सोल या थोड़े से मोटे सोल का, पीछे से निकले हुए सोल का अगर जूता चाहिए तो ये बेस्ट स्नीकर है आपके लिए, आप इसको ले सकते हो। आज का तीसरा जूता है, ये भी एक स्नीकर ही है, स्पोर्ट्स टाइप है, थोड़ा एंकल लेंथ वाला ही है, फॉर्म सोल है इसका नीचे लगा हुआ, पर ये भी तगड़ा आएगा, फुल भरा हुआ आएगा। ऐसा नहीं कि अंदर से खोखला हो या फिर छेद वाला हो, ऐसा नहीं होता, ये पूरा भरा हुआ आता है, मजबूत जूता आता है। ये भी इम्पोर्टेड ही है और ये भी टाई करने वाला है, बांधने वाला ही है और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है, ऑरेंज, स्काई ब्लू, नेवी ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा है। तीनों का कॉम्बिनेशन कलर बहुत ही तगड़ा लग रहा है, लुक वाइज भी अच्छा है और आप कोई भी ऊपर चीज़, कोई सा भी कलर पहनोगे तो ये जमेगा। तो ये भी एक ऑप्शन है आपके लिए अगर आप लेना चाहो तो, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। आज का चौथा जूता है ये, ये भी डबल सोल का है, पाइलॉन और ईवा और ये भी मतलब स्पोर्ट्स टाइप लुक है ये, ये बहुत बढ़िया है। वाइट और ग्रे का कॉम्बिनेशन है, प्योर वाइट ही समझिए आप, ग्रे सिल्वर बोल सकते हो उसको, और पीछे थोड़ी सी डिज़ाइन है लेस की। और ये भी एक बांधने वाला ही जूता है, आपको बांधना ही पड़ेगा, टाई करने वाला है, सॉक्स वाला नहीं है। ये भी बहुत कंफर्टेबल फ्लेक्सिबल जूता है और डिज़ाइन वाइज, लुक वाइज, कलर कॉम्बिनेशन भी इसका भी अच्छा है और ये आप प्योर वाइट के कॉम्बिनेशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो। लुक वाइज भी और सोल की भी डिज़ाइन बहुत प्यारी है और ड्यूरेबल भी है ये, तो अंदर से कंफर्टेबल कुशनिंग भी अच्छी आएगी इसकी, तो आप ये भी ले सकते हो एक ऑप्शन स्पोर्ट्स टाइप में, कोई सा जूता चाहिए। आज का पांचवा जूता है, ये भी एंकर लेंथ वाला है, स्नीकर ही है, खाकी वाइट कलर है इसका, ऑफ वाइट है, प्योर वाइट नहीं है। एक और इसका सेम डिज़ाइन में अपने पास ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन में प्योर वाइट आएगा, वो भी आपको दिखाऊंगा आगे। ये भी बहुत प्यारा जूता है, मिनिमल लुक है इसका, पीछे का सपोर्ट भी दे रखा है कैप्सूल का कि सोल फैले नहीं। वैसे तो ये सोल TPR की ग्रिपिंग है नीचे, पर वो फैलेगा नहीं, पर एक लुक वाइज भी अच्छा लगता है उसको देखे। और ये ऊपर कॉलर वाला है, आप पूरा टाई कर सकते हो ऊपर तक, ये भी एक बांधने वाला ही जूता है। जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ सब टाई करने वाले ही हैं, सॉक्स वाले नहीं हैं, क्योंकि ये ड्यूरेबल अच्छे रहते हैं, सॉक्स वाले थोड़े लूज़ वैसे तो नहीं होते, पर अगर थोड़ा अपन को पूरी फिटिंग वाले जूते चाहिए तो ये उस हिसाब से है पूरा, तो आप ये देख सकते हो। और अब इसका एक और कलर बता देता हूँ आपको, वो भी आप देख लीजिए, वो भी बिल्कुल सेम ही है। ये देखिए, ये बिल्कुल सेम ही लुक आएगा इसका, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आएगा, बस कलर कॉम्बिनेशन अलग है। अगर प्योर वाइट का आपको चाहिए तो आप ये ले सकते हो, अगर ऑफ वाइट चाहिए तो वो भी ले सकते हो, दोनों चॉइस है आपकी, कोई सा भी ले सकते हो, सेम जूता है और सेम क्वालिटी है, सब चीज़ सेम है उसकी। आज का छठा जूता ये है, ये भी जो मैंने आपको पहले वाइट वाला बताया था, ये बिल्कुल सेम मतलब मिलता जुलता डिज़ाइन है, प्योर पर तो सेम तो नहीं बोलेंगे, थोड़ी डिज़ाइन में फ़र्क है, पर सोल डबल वाला वही है, सब मटेरियल वही लगा हुआ है। और ये भी कलर कॉम्बिनेशन मेरे को अच्छा लगा, थोड़ा अट्रैक्टिव लगा, थोड़ा यूनिक लगा, तो मैं आपको ये भी बताने के लिए लाया हूँ। तो ये भी बहुत प्यारा है, डिज़ाइन विज़ाइन कलर भी बहुत अच्छा है, ज़्यादा ऐसा भी फैंसी नहीं है, मिनिमल लुक है, पर थोड़ा लुक वाइज अच्छा लगता है। कलर जिसको ज़्यादा चाहिए रहता है जूते में, तो ये बहुत प्यारा जूता लगा मेरे को, तो ये भी मैं आपको बताने के लिए लाया हूँ। ये भी टाई करने वाला ही है, बांधने वाला ही है, ये भी आपको बांधना ही पड़ेगा। तो
तो अब मैं आपको ये सब जितने भी मैंने जूते बताए हैं, मैं ये आपको प्राइस बता देता हूँ कि आपको कितने तक के में मिलेंगे ये। तो आपको ये 1350 से 1250 के बीच में आपको ये मार्केट में मिल जाएंगे, इजीली आप ले सकते हो। होगा थोड़ा कुछ और कम भी हो पाया तो वो भी आप करवा सकते हो, अगर बार्गेनिंग आप अच्छी करते हो करवा सकते हो दुकानदार से, तो आप वो भी कर सकते हो। ऑफलाइन ही ख़रीदना, आप ऑफलाइन ही मिलेंगे, नहीं तो ऑनलाइन आपको चूना लग जाएगा। तो ऑफलाइन जाके आप ये सब फ़ोटो स्क्रीनशॉट खींच के आप ले जा सकते हो और आप निकाल सकते हो। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी हिट कीजिए कि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो मिलेंगे आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।